गुड मॉर्निंग द मास्टरफुल टीम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज है श्री बालाजी जन्मोत्सव यानी श्री हनुमान जन्मोत्सव। सो आज है शोभा यात्रा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि सिर्फ देहरादून का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है कोरोना के बाद पहला, एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है वो। और पूरी शोभा यात्रा मैं आपको व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। सो अभी तो सुबह के बज रहे हैं 6 एंड मेरा एग्ज़ाम भी है आज। सो फोन में अलाउड नहीं है तो मैं कॉलेज का सीन तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट अभी मैं नहा के आ चुका हूँ एंड बालाजी जन्मोत्सव है, बालाजी की पूजा किए बिना तो मैं कहीं जाऊँगा नहीं। सो मैं पहले बालाजी की पूजा करूँगा, छत पर धर्मध्वज लहराऊँगा एंड धर्मध्वज की पूजा करने के बाद धर्मध्वज मतलब ऊपर बालाजी का झंडा लहरा के एंड देन मैं रेडी होके कॉलेज जाऊंगा एग्ज़ाम देने, एंड वहाँ का वो सीन नहीं दिखा पाऊँगा। सो मैं वापस आके दोबारा मिलूँगा आपसे। सो अभी फ़िलहाल पूजा करने जा रहा हूँ। निज मन मुखर सुधार, नर नौ रघुवर विमल जसू जो दायक फल चार। उद्दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हर कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। आरती की जय हनुमान लला की, सुषे दलन रघुनाथ कला की। गिरिवर कांपे रोगी दोष जाके, निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबली। सो मैं रेडी हो चुका हूँ एंड मैं बना रहा हूँ चाय, एंड चाय पी के मैं निकलूँगा कॉलेज के लिए। फ़ोन मैं घर पे ही छोड़ के जाऊँगा। सो वापस आके मिलते हैं फिर। Two hours later. Hey everyone, so I am back from college एंड अभी बज रहे हैं 10:30 एंड मम्मी कपड़े प्रेस कर रही है। मम्मी और पापा को जाना है मासी के घर फंक्शन में एंड मैं सीधा जाऊँगा यात्रा के लिए। शायद मैं पहले बजरंग दल की यात्रा के लिए जाऊंगा हिंदू नेशनल एंड देन जाऊंगा शिवाजी धर्मशाला। सो मैं निकल रहा हूँ एंड मैंने अपना ड्रेस कोड पहन लिया है। एक्चुअली यात्रा में सेवा दल का ड्रेस कोड होता है और इस बार का है रेड कलर। सो मैंने अपना ड्रेस कोड पहन लिया है एंड मैं निकल रहा हूँ यात्रा के लिए। एंड मुझे रास्ते से टोटो को लेना है पहले एंड देन जाऊँगा आगे। पहुँच गया हूँ आयुष के घर उसे लेने और वो आ रहा है लॉक करके। तो हम लोग आए हैं हिंदू नेशनल बजरंग दल की रैली के लिए। सभी बजरंगी भाइयों से निवेदन है कि हनुमान अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागे थे पर बाप शिवाजी। तैयारी चल रही है, उसी देर में यात्रा स्टार्ट भी हो जाएगी।
महिलाओं की कलश यात्रा निकल चुकी है और पीछे अभी बालाजी का डोला आएगा। कृष्णा जी का डोला आगे जा चुका है, मैं बाद में दिखा दूंगा आगे जाके। महादेव जी का डोला Yes.
खड़ा परिषद के भी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो शोभा यात्रा यहाँ पर समापन हो चुका है और अब बालाजी की मूर्ति को हम अंदर मंदिर में ले जा रहे हैं। जय बालाजी महाराज की। सो हम लोग घर आ चुके हैं एंड मम्मी हमसे बार बार पूछ रही है भूख लगी है तो ये बना दूँ, भूख लगी है तो वो बना दूँ, जबकि हमें भूख नहीं लगी है। अब मम्मी को अब से बोल रहे हैं सो जाओ रेस्ट कर लो ही। तो मम्मी हमसे बार बार पूछ रही थी कि तुम्हें कुछ खाना है, तो इसलिए मम्मी ने हमें ये जीरा वाली बॉटल दी है जो मम्मी यात्रा में से लेके आई है, और हमारे लिए मम्मी ने कचरी डाली है एंड दिस इज चीकू। So it's time to sleep now. This is the end of the video. ऐसा दीदी बोलती है पर मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ कि हम आ चुके हैं अपने रूम में और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, बालाजी की शोभा यात्रा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, एंड कुछ भी आपके रिव्यूज़ हों, कुछ क्वेश्चन हों तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं हम किस चीज़ का व्लॉग करेंगे हम। तो बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।